नमस्कार साथियों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम देखो, बहुत सारी महिलाएं बैठकर यहाँ पर हम पूजा कर रही हैं, तो पूरी विधि विधान से पूजा कैसे करते हैं मैं लास्ट तक आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। तो हम चौक चंदन से शुरुआत कर रहे हैं। चौक किस चीज़ का पूरना है दोस्तों? चावल के आटे से और हल्दी से। तो चौक हमारा बन गया है और ये कलश दल बन रहा है। जब तक कलश दल की स्थापना नहीं करते तो किसी भी प्रकार की पूजा नहीं अब करते। यहाँ पर एक गमले में हम पूजा करने की जो सामग्री मिलती है मार्केट में, कांस रहता है अलग अलग प्रकार की, उसमें पत्तियाँ रहती हैं, वो सब गमले में लाकर लगा लेते हैं और पूजा के लिए हम उसमें सजा कर रख लेते हैं। तो इस तरह से एक पटा बिछाते हैं और सजा कर हम मंडप जैसा बनाकर रख लेते हैं। अब मैं आती हूँ टोकनी दिखाने आप लोगों को। तो टोकनी में भी हल्दी और माहुर लगा लेते हैं, और पूजा करने के पहले अपने पैरों में भी माहुर लगा लेना चाहिए। और ये मैं पूरी सामग्री दिखा रही हूँ आप लोगों को कि पूजा करने की क्या क्या सामग्री है। अब हमारी पूजा चालू हो चुकी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पूजा करने के लिए शुद्ध पानी से सभी जगह हम छिटकेंगे, फिर इसके बाद में दूध चढ़ाएंगे, फिर शुद्ध पानी से नहलाएंगे। इस प्रकार से ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। आज की पूजा हल षष्ठी मैया के नाम से हम सभी महिलाएं मिलकर पूजा करती हैं। सभी मिलकर लाल फूल चढ़ाए हैं और बहुत सारी वस्तु हैं जो सभी मिलकर ही इसमें चढ़ाती हैं। तो इस प्रकार से हल षष्ठी मैया की पूजा कर रहे हैं, सभी मिलकर बत्तियाँ भी जला रही हैं। तो आज की पूजा भाद्र माह और शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। हल सृष्टि मैया सभी को सुख समृद्धि दे, और जितनी महिलाएं बैठकर आज के दिन पूजा कर रही हैं पूरे देश में, तो उनके लिए उनकी संतान की लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो और चिरंजीवी रहें। इस प्रकार से हल सृष्टि मैया से सब लोग आशीर्वाद मांगती हैं और सच्ची भावना से अपने संतान के लिए पूजा करती हैं। यहाँ पर पुराने लोगों से सुना जाता है कि जिनके बेटे होते हैं वही पूजा करते हैं, पर संतान तो बेटी भी होती है ना, तो इस प्रकार से बेटी वाली भी आजकल सब पूजा करने लगी हैं। तो बेटे बेटी सभी के लिए एक बराबर होते हैं। जिनके घर में एक बेटी है, किसी के घर में एक बेटा है, तो संतान तो है उनकी। इस प्रकार से उनकी लंबी आयु के लिए सभी लोग पूजा करती हैं। आप सभी मिलकर यहाँ पर नारियल चढ़ा रही हैं, और आज के दिन धान की लाई, खमेर और महुआ, इस प्रकार से आपको कहानी में आगे सुनने मिलेगी कि किस प्रकार से महुआ खाकर आप लोगों को कहानी में सुनाऊंगी। तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब देवकी कारागृह में थी और कंस को यह आभास हो गया था कि उनकी आठवीं संतान जो होगी उनके विनाश का कारण बनेगी, इस प्रकार से वो एक के बाद एक, एक के बाद एक संतान को नदी में फेंकवाते रहे। और ये हल सृष्टि के नाम से जो पूजा हो रही है, ये हलधर बलदाऊ उन्हीं की सातवीं संतान थी। इस प्रकार से उनकी संतान के बाद सभी महिलाएं बड़ी मुश्किल से, जिनकी बहुत मुश्किल से संतान होती हैं उनके लिए हल सृष्टि व्रत जो है बहुत ही वरदानमय होता है। अब इसके आगे दो कहानी सुनिएगा। जय एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भूई तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के छह पुत्र मारे गए तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी ने
खिलने जेल खाने पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी दुखी मत हो, तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक शक्ति माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा ना रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का श्रेयस बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया कि प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। इसको सुनकर राजा वापिस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रति वर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बताई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान को गया और वहां उसे एक ग्राह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की धरहती अग्नि में डलवा दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जल वन में जाकर एक शिव मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी तथा व्रत के प्रभाव से भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देख आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर पार्वती गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है, उसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों का साथ लेकर धात्री पुत्र के पास गए। उनको वहाँ पुष्प पर की पूजा कर प्रतिम तालाब बना, उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियाँ पढ़ा या सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर ना चले। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा जीवन सुखमय होगा। और व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर ने द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी यह व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। बोलो बताऊ भैया की जय। बोलो शंकर भैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो नर्मदा मैया की जय। जय हलषष्ठी माता मैया जय हलषष्ठी जीवित आई। ओम जय हलषष्ठी।
मन चित से की है पूजा मैया की है पूजा। हुए कोश से खाना हुए कोश से खाना नहीं रहते हसे take